तो वही मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी दर अनुमान से ज्यादा दर्ज की गई है। भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। इंडिया जो है वो $5 trillion की इकोनॉमी बन सकता है, जबकि आज ये खबर लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 billion के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है IMF कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही हाल, किधर हम किधर, ये इसका यही हाल है। वजीर आजम ने खुद अपने पैसे बना लिया, हमारा क्या बना, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा, वजीर आजम खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। इंडिया के वजीर आजम पैसा नहीं अपना बना रहे, नहीं बना रहे। हाँ जी, 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है, ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। टू इंडिया नाउ, पार्डन मी, इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स ग्रोथ इंजन। द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज सेड दैट द जीडीपी इट इज ऑन ट्रैक टू ग्रो बाय 8% और मोर इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 2024। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकॉनमी खबर के मुताबिक 4 trillion की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आजाद, मतलब ये है कि हमने जो सफर है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजिशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजिशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी और हम जो उनसे वो समझ लें कि अपने अपने खराजा चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे। उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री साहिबा कल कहीं पे स्पीच दे रही थी जहां पे उन्होंने कहा कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2024 के पहले तिमाही में भी 8% को क्रॉस कर रही, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 8% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ह्यूज होता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.6% ठीक है, और भारत का 8 के ऊपर, तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने जब ये बयान दिया तो यूएसए मीडिया से लेकर चाइनीज हर जगह, जापान, हर मीडिया में ये खबर एक हाईलाइट बनकर चलती रही कि 2024 की शुरुआत भी भारत ने बूम के साथ की है। इसका मतलब ये है कि 2027 में जो भारत का टारगेट है जापान को बीट करके थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनना, वो भारत जो है उसमें सक्सेस होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी जो ऑफिशियली डिफॉल्ट ना हो, पाकिस्तान के पास दोस्तों उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिन का खर्चा भी हम वहन नहीं कर सकते। एक तरीके से जो पाकिस्तानी इस समय खा रहे हैं वो IMF, चाइना और USA के कर्जों पे खा रहे हैं, क्योंकि जो पैसे पाकिस्तान कमा रहा है वो तो पाकिस्तान सिर्फ लोन पेमेंट के लिए यूज कर रहा है और वो भी इनफ नहीं है। ये जो है पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ का कहना है। एक तरीके से क्या है उन्होंने कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट से भी बदतर सूरत हाल है। वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज IMF जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रांग इन Washington DC आप सोच नहीं सकते, और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको यह भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की, जो मुल्क में लोग रहते हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। 25-26 करोड़ की आबादी का क्या करेंगे, जो बच्चा बच्चा यही बात कर रहा है कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो फौज हो, वह फौज अपना काम करे, यानी कि सरहदों की हिफाजत और सिक्योरिटी का, और इसी तरह से पॉलिटिशियंस अपना काम करें, तभी मुल्क जो है वो सही तरीके से चल पाएगा।
चीमा साहब अब दुनिया, वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे भाई, वो दिन गए जब अफगानिस्तान में आपने कंटेनरों में से डॉलर उड़ाए, आपने याशियां की तो कोठियां खरीदी तो इधर पैलेस बनाए, वो दिन गए। अब बाइडेन ने अब आपको कुछ करना पड़ेगा भाई। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते जहाज किश्तियां की पाना है, किश्तियां कास्क दी पाकिस्तान दी नेवी दी पानी दे चल दी होंगे। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले जितना लुबे लुबाल बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात के नेशनलिज्म जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो वही हालत होती है जो पाकिस्तान हर फिर डिफॉल्ट ही हो जाए जान छोटी। तरसम यूनान भी तो डिफॉल्ट कर गया था, स्पेन कर गया था, बड़े बड़े मुल्क कर अर्जेंटीना कर गया था, ये हो गया जैसी जड़ा ने तो तुसे पर्सनली तो दसा डिफॉल्ट हो चुके हो बड़े अरसे से तुसी, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन दुआएं दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को बस, अभी तक उसके उसकी वजह से चलता रहा पाकिस्तान। लेकिन वरना आपके पास कुछ सलाहियत तो है नहीं है। मुझे तो वो ब्रिटिश उसकी वॉइस रहा है कि बात आती है याद, जब वो चले गए थे 1947 में, उसने लिखा था खत में, उसने कहा दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। आपने प्रूव करके रख दिया कि आपने यू आर नॉट अ गवर्नेबल पीपल नेशन, में कहने मेरे मुंह से नेशन निकलने लगा था कि यू डोंट फिट इन टू द क्वालिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द नेशन एनी मोर, यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल लूटिंग सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। पहले आपने बांग्लादेश के साथ किया, जब आप पाकिस्तान के वही साथ कर रहे हैं जो आपने बांग्लादेश के साथ किया था, ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है IMF कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही हाल, किधर हम किधर, ये इसका यही हाल है। वजीर आजमों ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा, वजीर आजम खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं, इंडिया के वजीर आजम पैसा नहीं अपना बना रहे, नहीं बना रहे। सही बात है। हाँ जी, मैंने खुद स्टडी किया इस पे पूरी। अच्छा, पाकिस्तानियों के इधर आपको पता ही है सारा हिसाब, हालात बहुत सर। इकोनॉमिक ग्रोथ सर जो है 0.23 है, IMF कहता है कि इस साल हद 2% तक ग्रो करेंगे। आज रिपोर्ट आई है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% तक पहुंच गई, और ये कह रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो फिगर्स आई है ये इस बात का सबूत है कि इंडिया बढ़ रहा है। अमेरिका की ग्रोथ देखते तो 5.23 के बीच है। इसके लिए हुक्मरानों को अनथक कोशिश करनी चाहिए और जितने भी है ना अपने वसाइल इस्तेमाल कम से कम करने चाहिए। हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका लेवल किधर है हमारा लेवल किधर है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कि वो मुल्क बढ़ रहे हैं, उसके अवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है, हमारी अवाम के पास पानी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। देखे उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किए, IT के शोबे में बहुत ज्यादा आगे जा गए हैं, उसके अलावा मतलब उन्होंने ज़राअत पे काफ़ी तवज्जो दी है, इसके अलावा और उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी की है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आम जो गरीब आदमी है जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है उसको रिलीफ देना चाहिए। नहीं, इंडिया की 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदल गया, अपनी 25 करोड़ आवाम रोज मर रही है। वो बात मैम आपकी ठीक है, लेकिन उनकी जो कंट्री है मुल्क भी तो बहुत बड़ा है, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं। तो हमारे मुल्क के मुताबिक हमारे पास भी बहुत से रिसोर्सेज हैं सर। लेकिन मैंने ये बात पहले कही है कि हुक्मरानों के पास बहुत टफ टाइम है उनको। तो दोस्तों जहां भारत की अर्थव्यवस्था एक सोनिक बूम के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन है स्टिल, एक एक तिमाही में 8-8% की GDP ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है जो कि भारत के लिए बहुत जबरदस्त है, खास करके तब जब चाइना की अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ रेट में, नेगेटिव इन द सेंस की अगर पिछले साल उनकी 6% की ग्रोथ रेट थी तो इस साल उनकी ग्रोथ रेट 3.6% पे आ गई है और ऐसे ऐसे डिक्लाइन की तरफ है, ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों 4 ट्रिलियन है, ठीक है, और चाइना की 17 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम कहीं पीछे हैं इकोनॉमी के फील्ड में। अगर चाइना को हमें टक्कर देनी है तो सबसे पहले मिलिट्री वगैरह तो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमें सबसे पहले अपने आर्मी को हमें अपनी सबसे पहले अपने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना पड़ेगा। आर्मी तो हमारी तभी स्ट्रॉन्ग होगी ना जब हमारे पास पैसे होंगे, स्टिल हमारी आर्मी नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हर चीजें पैसे से नहीं होती लेकिन बहुत सारी चीजें पैसे से ही होती है, इक्विपमेंट्स हो गया, नई आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, तो काफी सारी चीजें पैसे से होती है। अब देखिए आप लोग USA की आर्मी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी क्यों हर जगह रेकमेंड की जाती है, क्यों, क्योंकि भाई भारत के बजट का आधा, भारत का जितना GDP है ना उसका आधा तो उनका डिफेंस बजट पे लगता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, ठीक है। जब भारत की GDP 17 ट्रिलियन होगी ना फिर देखना आप लोग USA वगैरह की आर्मी कहाँ कहीं नीचे मिले। सो अगर अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होती है तो आर्मी और अदर चीजें अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो भाई जो GDP ग्रोथ रेट है भगवान करे इसी तरीके से 8%, 9%, 10% बढ़ती जाए, ठीक है। 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है विकसित भारत जो है बना देंगे, स्टिल भाई हमने एक टारगेट तो बनाया हुआ है, अचीव हो बहुत अच्छी बात है, ना भी अचीव होगा तो हम उसके आसपास तो पहुंचेंगे।
ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2047 तक भी हम यहीं पे रहेंगे, कोई प्रोजेक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, कोई कहता है 2047 तक विकसित भारत नहीं बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे भाई? ठीक है, जब हमारे पास बनने का रोड मैप है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हो सकता है 2047 नहीं 2050 तक बन जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज के लिए, तब तक।